लखनऊ से बड़ी खबर है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर विवादित बयान दिया है। मानस की चौपाई के बाद जय श्री राम के नारे पर सवाल उठा दिए। कहा बीजेपी का ये नौटंकी वाला नारा है। स्वामी प्रसाद मौर्य नारे को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। तो लगातार इस तरह की विवादित टिप्पणियां स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। एसपी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से भगवान राम के नारे पर विवाद खड़ा कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा बीजेपी का श्री राम का नारा एक नौटंकी है जिसे वो नहीं मानते हैं। इससे पहले मानस को लेकर सवाल उठा चुके हैं। कल भी काशीराम ने दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नारे को लेकर सवाल उठाया था और अब स्वामी प्रसाद मौर्य जय श्री राम नारे को बीजेपी से ही जोड़कर देख रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की ये नौटंकी है, नौटंकी वाला नारा है। तो राम के नारे को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन हिंदू धर्म को लेकर लगातार वो हमलावर हैं। चाहे वो मानस की बात की जाए या भगवान श्री राम का नारा हो, उसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान पर बयान दिए जा रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामलला किसी एक के नहीं है, रामलला सबके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी रामलला का पेटेंट न कराए। सभी गांव में आपसे मिलने जुलने पर नमस्ते के बजाय सब राम राम करते हैं। जय श्री राम तो इनका दिया हुआ नौटंकी वाला नारा है, लेकिन राम सबके हैं, राम सबके प्यारे हैं, राम के प्रति सम्मान सबका है। इसलिए भारतीय जनता पेटेंट के रूप में राम को चुनाव में बेचने का काम न करें।